नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की पोएम नंबर 9, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। एक बार फीली शाम को एक जंगल में रुकना। कवि जो है ये इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। तो एक कविता लिख रहे हैं और कविता का शीर्षक स्टॉपिंग माई वर्ड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट को। तो इसमें कवि कह रहे हैं, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये जंगल किसके हैं, ये वन किसके हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ। आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो। मैं जानता हूँ कि उसका घर यहीं पास में गांव में है। दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। फिर भी वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। और अपने जो जंगल हैं उसके उनमें बर्फ को गिरता हुआ भी नहीं देख पाएगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। जिस घोड़े पर मैं सवार हूँ वह घोड़ा भी ये समझता है कि जब मैं यहाँ रुका हूँ उसको बड़ा अजीब लगता है। कोई अनोखा अद्भुत अनुभव करता है, विचित्र अनुभव करता है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि मैं यहाँ पर रुकने का कोई सही ठिकाना ना होने के बावजूद क्यों रुका हुआ हूँ, इस बात को मेरा घोड़ा समझता है जिस पर मैं सवार हूँ, और वो इसको बड़ा अजीब मानता है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहाँ रुका हूँ, बिटवीन द वुड्स जंगलों के बीच में और बर्फीली जो झील है, जो बर्फ़ से जमी हुई झील है, वहाँ पर मैं रुका हूँ। और वहाँ की स्थिति कैसी, समय कौन सा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये शाम इस साल की सबसे अंधेरी शाम है, ये रात सबसे अंधेरी रात है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। मेरा घोड़ा जो है, ये जो है उसको बड़ा अजीब लगता है। वो क्या करता है, वो मुझे चेताने के लिए, बताने के लिए कि कोई गलती हो गई है, आप यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ गलती हो गई है, मुझे ये चेताने के लिए, बताने के लिए अपनी घंटी को बजाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और ये समझाने के लिए, मुझे संकेत देने के लिए कि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, अनायास ही रुक गया हूँ, यहाँ पर कोई फार्म हाउस पास में नहीं, रुकने का कोई सही ठिकाना नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रुक गया हूँ, क्या मैंने यहाँ पर रुककर कोई गलती की है। द ओनली अदर साउंड साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड टाउनी फ्लैक, और यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शांति है। आवाज़ किसकी आ रही है, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड, धीरे धीरे जो मंद मंद ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है। एंड डाउनी फ्लैग, और बर्फ़ से जमती हुई झील की आवाज़ आ रही है, जिसमें बर्फ़ जम रही है और झील में बर्फ़ जमने की आवाज़ आ रही है, और बिल्कुल इसके अलावा यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। तो कवि कहता है, द वुड्स आर लवली, जहाँ मैं रुका हूँ, या मान लीजिए कवि कहता है ये जो संसार है, संसार रूपी जो जंगल है, भगवान ने हमें जीवन दिया है, जीवन रूपी घोड़ा दिया है, और मैं इस जीवन रूपी घोड़े को लेकर के इन जंगलों में रुक गया हूँ। मैंने अपने कर्तव्यों का पालन अभी तक नहीं किया है और मैं यहाँ रुक गया हूँ। भगवान मुझे संकेत देते हैं कि तुम गलत जगह रुक गए हो, और वो समझाना चाहते हैं कि आपको जो अपने कर्म हैं, जो अपने दायित्व हैं, वो पूरा करना है इसके पहले कि तुम रुक जाओ। तो कब कहता है, द वुड्स आर लवली, ये जंगल बहुत ही सुंदर हैं, डार्क एंड डीप, गहरे और घने हैं, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे यहाँ पर रुकने से पहले बहुत सारे वचन पूरे करने हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इसके पहले कि मैं यहाँ पर सोकर आराम करूँ या अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करूं, मुझे बहुत काम करने हैं, बहुत दूर जाना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बहुत मीलों, कई मीलों लंबी यात्रा करनी है इसके पहले कि मैं सो जाऊं। तो कवि यहाँ पर जो है इस तरह से अपने भाव व्यक्त करता है।
तो एक कविता जो है पूरी हुई। आपको ये इस कविता का हिंदी अनुवाद कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लगातार ऐसे वीडियो डालता रहता हूं, और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।